हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बीके स्टडी 56 में हम लेके आए हैं मैथ का अगला क्लास, जो बिल्कुल भाग से ही संबंधित है और ऐसे भाग जो बिल्कुल बेसिक। हमारा मकसद है फ्रेंड्स कि बिल्कुल बेसिक से ले, जीरो से लेकर 100 तक चलना है। तो जीरो से स्टार्ट करिए, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 100 तक। और एक बात बता दें कि कभी भी कोई भी इंसान आपकी बुराई कर रहा है तो आप समझिए कि आपसे वो जल नहीं रहा है, आपकी तरक्की से जल रहा है। आप मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, आपके साथ फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके क्लासमेट आपसे मजाक कर रहे हैं, आपका फालतू मजाक बना रहे हैं, तो समझिए कि आप उनसे कुछ आगे हैं या आप उनसे कुछ अलग कर रहे हैं। और देख लीजिए किस पृथ्वी पे जिसका भी मजाक बना वो कितना बड़ा कार्य कर दिया। जैसे मैं हमारे थ्री इडियट्स रणछोड़ दास, छाछड़ और तीन हमारे हीरो रहते हैं, उसमें आमिर खान जी रहते हैं, दो और होते हैं लास्ट में, उसने उस व्यक्ति ने केवल देखने से नहीं मतलब सीखे क्या बताया, उसने उस व्यक्ति ने बताया है कि लाइफ में किसी के पीछे भागो मत, तुम इतना काबिल बनो, खुद इतनी काबिलियत अपने अंदर पैदा करो कि सक्सेस यानी तरक्की तुम्हारे पीछे दौड़े, तुम तरक्की के पीछे मत दौड़ो। तो कोई भी चीज़ देखिए मत, उसे सीखिए कि वो क्या कह रहा है, वो क्या बता रहा है, ठीक है। और कोई भी चीज इस दुनिया में छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इस सवाल को हल करेंगे तो कुछ नहीं जानेंगे, तो इतना तो होगा कि हम किसी भी चीज को कैसे हल करते हैं, किसी भी सवाल को कैसे स्टेप बाय स्टेप, कैसे स्टेप उसमें चेंज किया है, कैसे बनाया जाता है, इतना जानेंगे। और फ्रेंड्स, इसके पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, यदि केवल यूट्यूब चैनल फिल्म गाने नाच मतलब इसके लिए बना है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। यदि आपको लग रहा है नहीं एजुकेशन के लिए भी कुछ है तो आप फ्रेंड्स चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके जाइए और अपने दोस्त, फ्रेंड्स, स्टूडेंट, भाई बहन, रिश्तेदार सबके पास तक ये वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए, मैं एक ऐसा क्वेश्चन, सिर्फ दो ही क्वेश्चन रहेंगे उसमें, दो ही प्रश्न आए लेकिन देखिए क्या क्या है, भाग का है। देखिए प्रश्न नंबर एक, 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती है, कितनी पैकेट है 15, 225 पेंसिल आती है, तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल आएंगी। किसी भी सवाल में 10 दर्जन पे एक पूछ दिया, 100 बैल पे 10 पूछ दिया या 10 किलो पे 1 किलो पूछ दिया, संख्या कदम बिल्कुल कम होगी, 1, 2 समझिए कि वो भाग ही करके बताना है, ठीक है। देखिए कैसे, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती है तो एक पैकेट में, तो 15 पैकेट बराबर लिखेंगे, 15 पैकेट में आती है 225 पेंसिल, ठीक, 15 पैकेट में आती है 225 पेंसिल। तो देखिए एक पैकेट में कितनी पेंसिल आएंगी, इतना तो आप कर दिए कि 15 पैकेट में 225 पेंसिल, तो एक पैकेट में, तो हमको एक पैकेट बराबर यहाँ पे लिखना होगा, एक पैकेट बराबर 1, 5 और ये तो जानते ही होंगे 2, 2, 5 इतना लिखना होगा। अब इतना लिखने का मतलब कि इसमें से इसको हम भाग करेंगे तो ऐसे उसके नीचे तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन देखिए हम बता रहे हैं कैसे करेंगे इसको। इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2, 2, 5 और 1, 5 इसको देखिए कैसे किया जाता है, इसका इतने बार ले जाइए कि इससे अधिक ना हो,
एक दो तीन चार कम होगा चलेगा, लेकिन अधिक नहीं होना है। तो एक बार ले जाइए यहाँ पे 15, दो बार ले जाते तो 30 हो जाता, 8 अधिक हो जाता यहाँ पे। अब इसको 9 आटा करके 12 में से ये 5 घटा दीजिए, 7। अब ऐसे नहीं काटते हैं, ये गलत, ये क्यों गलत हो गया आप बता रहे हैं, सही तो होगा ही नहीं, गलत क्यों बता रहे हैं। जब इसमें से हम लोग घटाते हैं तो काटते हैं क्या, 5-7 घटाएंगे तो काटेंगे क्या, काटते नहीं है, यहाँ पे 0 करते हैं, हम कटाए तो कुछ भी नहीं आया, कट कर दिए, ये प्रक्रिया भाग सही मानी जाएगी, लेकिन ये आपको प्रक्रिया बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे हमको 0 ही लिखना होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक संख्या है इसको उतारेंगे, अब देखेंगे कि 15 का पारा कितने बार जाएगा कि ये इतना जाएगा, 15 × 15 = 30, 15 × 45, 15 × 60, 15 × 75 बिल्कुल राइट आ गया। ये प्रक्रिया हमारी गलत है, ठीक है, बार बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 कर देंगे। तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल आएंगी, तो यहाँ पे लिखेंगे तो एक पैकेट में बराबर 15 पेंसिल हमारी आएंगी, ये हमारा हो गया आंसर। अब इसमें देखिए नीचे वाले में 340 में 20 पुस्तकें खरीदी गई, तो एक पुस्तक का दाम इसमें भी एक पूछ दिया, भाग देना होगा, तो 340 रुपये में 20 पुस्तक। अब इस तरह से कर देंगे 20 340। अब ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन हमारे छोटे भाई बहन को समझने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए 340 ऐसे करके हम इसको कर लेते हैं। एक बार जाएगा, क्योंकि दो बार जाएंगे तो 40 हो जाएगा, ये एक ही बार ले जाइए, थ्री में 2 = 1 हो गया यहाँ पे, अगर करेंगे तो 1 ये उतर जाएगा पूरा, अब ये नहीं जाएगा, तो ये जो बचा उसको नीचे उतारेंगे। अब देखिए यदि जिसको 20 तक का नहीं याद है तो 20 में 2 का गुणा करेंगे, 3 का 4, 5, 6, 7, यदि 7 का करते हैं तो हमारा हो जाएगा 140, यानी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी हमारा 000। तो एक पुस्तक का मूल्य हमारा हो जाएगा 17 रुपये, लिखेंगे यहाँ पे, अतः एक पुस्तक का मूल्य 17 रुपये होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि एक पैकेट पेंसिल का मूल्य 15 रुपये होगा। फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक। तो आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बट इसके पहले आप अपने टारगेट को किसी से नहीं बताएंगे, डेली बाय डेली उसमें मेहनत करते रहिए, चलते रहिए, आप किसी दूसरे के बकाव में मत आइए। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा बिल्कुल फुल सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को बंद करते हैं।